जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पेडागोजी जो है एक बहुत आसान पोर्शन है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है लोगों को, क्योंकि इस पे जो ऑप्शन दिया रहता है हमें लगता है कि सारे करेक्ट ही है। तो आज हम आए हैं आपके साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को लेके, टोटल 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, और आशा करते हैं आप इसे कुछ सीख पाएंगे। और काइंडली वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गिफ्टेड लर्नर। तो पहला ऑप्शन दिया है, He can feel under-stimulated and bored if the class activities are not challenging enough. Number 2 पे दिया है, He is highly temperamental. Third पे है, He engages in ritualistic behavior like hand flapping, rocking, etc. और 4th नंबर पे दिया है, He gets aggressive and frustrated. आपको कौन सा लगता है यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए हैं उनमें कौन सा सही हो सकता है? देखिए, इसका राइट आंसर है ये पहला वाला, जिसपे लिखा गया था ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग एनाफ। तो ये ही करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है, ए टीचर कैन इन्हेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम बाय। तो ऑप्शन है, नंबर 1 पे है ड्रिल एंड प्रैक्टिस, 2 पे है इनकरेजिंग कॉम्पिटिशन अमंगस्ट हर स्टूडेंट्स, नंबर 3 पे दिया है कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड नंबर 4 पे दिया है ऑफरिंग रिवॉर्ड्स फॉर स्मॉल स्टेप्स इन लर्निंग। इस पे पूछा गया है कि किस तरह हम एजुकेशन को क्लासरूम में इफेक्टिव बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जिसपे लिखा है कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हर किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसको स्टूडेंट के रियल लाइफ के साथ अगर हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज को, तो लर्निंग जो है इफेक्टिव हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपका नंबर 3 पे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रेन आर करेक्ट। नंबर 1 ऑप्शन है, चिल्ड्रेन आर पैसिव रिसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज। 2 पे है, चिल्ड्रेन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। 3 पे दिया गया है, चिल्ड्रेन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स। 4 पे है, चिल्ड्रेन आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स ऑफ द एनवायरमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन आप जैसे कि देख पा रहे हैं, फिर यहाँ पे सब ऑप्शन दिया गया है, ए पे ऑप्शन 1 पे है बी सी डी, यानी कि बी सी डी, और 2 पे है ए बी सी डी चारों, 3 पे ए बी सी, और अंत में नंबर 4 पे दिया है ए बी डी। इसका करेक्ट आंसर है नंबर 1, यानी कि बी, चिल्ड्रेन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, सी, चिल्ड्रेन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स, और नंबर 2 यानी कि चिल्ड्रेन आर एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ द एनवायरमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू इनकरेज कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स। नंबर 1 ऑप्शन है, रिप्लेस द स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आइडियाज विद करेक्ट वंस बाय आस्किंग देम टू मेमोराइज। नंबर 2, give students multiple examples and encourage them to use reasoning. Number 3, use punishment till students have made the required conceptual changes. Or number 4 pe hai, new concepts need to be understood on their own without any reference to the old ones. So yahan pe bahut sare option hai, aur maine pehle hi aapko kaha tha ki pedagogy ek aisa subject hai ya fir portion hai, हालांकि ऐसे तो इजी है लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए रहते हैं सारे हमें करेक्ट लगते हैं। तो यहाँ पे सारे करेक्ट ही लग रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो है नंबर 2,
ये रहा नंबर टू. नंबर टू पे लिखा गया है कि गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जांपल्स एंड इनकरेज देम टू यूज रीजनिंग. ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर. और आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया है प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन द एटमोस्फियर. ऑप्शन है नंबर वन ऑप्शन पे वेयर द टीचर इज अथॉरिटेटिव एंड क्लियरली डिक्टेट्स व्हाट शुड बी डन. नंबर टू पे वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ओनली ऑन मास्टरिंग प्राइमरीली कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिक्स. नंबर थ्री ऑप्शन है ये रहा नंबर थ्री पे ऑप्शन दिया है वेयर द टीचर लीड्स ऑल द लर्निंग एंड एक्सपेक्ट्स स्टूडेंट्स टू प्ले ए पैसिव रोल. एंड लास्टली नंबर फोर वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मेट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड. सो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आप थोड़ा सोचिए यहाँ पे कौन सा आंसर हो सकता है. इसका सही आंसर है नंबर फोर वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मेट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड. ये है इसका करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. अगले क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है ए चाइल्ड सीज ए क्रो फ्लाइंग पास्ट द विंडो एंड सीज ए बर्ड व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द चाइल्ड्स थिंकिंग. नंबर ए द चाइल्ड हैज प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज. नंबर बी द चाइल्ड हैज डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ बर्ड. नंबर सी द चाइल्ड हैज डेवलप्ड सम टूल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस. यहाँ पे तीनों ऑप्शन, सिर्फ तीन ही ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन उसके नीचे फिर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसपे आपको सेलेक्ट करना है. नंबर वन पे है बी एंड सी और टू पे है ए बी सी. थर्ड में दिए है ओनली बी और चौथा है ए एंड बी. तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है आपको वही सेलेक्ट करना है. तो यहाँ पे सिक्स नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है नंबर टू यानी कि ए. तीनों यहाँ पे जो दिया ए पे दिया है द चाइल्ड हैज प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज. बी पे है आपका द चाइल्ड हैज डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ ए बर्ड. एंड नंबर सी इज द चाइल्ड हैज डेवलप्ड सम टूल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस. दैट मीन्स वॉट एवर ए बी सी आर गिवेन हियर ऑल द थ्री आर द करेक्ट आंसर. So let's move toward question number 7. So 7 पे दिया है question. What should a teacher tell her students to encourage them to do tasks with intrinsic motivation? Number 1 पे है Why can't you be like him? See, he has done it perfectly. Number 2 पे दिया है Complete the tasks first and गेट ए टॉफी. नंबर थ्री पे आएगा ट्राई टू डू इट यू विल लर्न. एंड नंबर फोर पे कम ऑन फिनिश इट बिफोर सी डज. तो यहाँ पे कुल चार क्वेश्चन दिए हैं और कुल चार क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा ट्राई टू डू इट यू विल लर्न. ये रहा आपका सही आंसर. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ कैन ए टीचर इनकरेज हर स्टूडेंट्स टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टुअर्ड लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग. नंबर 1 ऑप्शन है बाय गिविंग कॉम्पिटेटिव टेस्ट्स. नंबर 2 बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर मास्टरी. नंबर 3 बाय ऑफरिंग tangible rewards such as toffees. और नंबर 4 पे है by inducing anxiety and fear. तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 by supporting them in setting individual goals and their mastery. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और इस पे दिया है क्वेश्चन क्या है देखिए पढ़ते हैं. चलिए In an elementary classroom, an effective teacher should aim at the students to be motivated. Number 1, to rote memorize
so that they become good at recall. Number two, by using punitive measures so that they respect the teachers. Number three, to perform so that they get good marks in the end of the year examination. And number four, to learn so that they become curious and love learning for its own sake. तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा नंबर फोर, टू लर्न सो दैट दे बिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस। नंबर वन, कॉर्पोरल पनिशमेंट। नंबर टू, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। नंबर थ्री, कॉम्पिटिटिव क्लासरूम। एंड नंबर फोर, कॉन्स्टेंट कंपेरेटिव इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 10 का जैसे कि है, ऑप्शन तो सारे करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन इसका करेक्ट जो आंसर है वो है नंबर 2, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नंबर 11 को देखते हैं। 11, नंबर 11 पे यहाँ पे है द सेपल्लोक्यूटल प्रिंसिपल डेवलपमेंट explains how development proceeds from। number 1 pe hai differentiated to integrated functions, number 2 head to toe, aur uske baad hai number 3 pe rural to urban areas, and number 4 general to specific functions। yahan pe aapka answer hoga, aap log bhi boliye kaun sa answer hoga, iska sahi answer hai number 2। ji ha, aap bilkul sahi hai, number 2 hi राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। नंबर वन ऑप्शन है मिडिल चाइल्डहुड पीरियड। नंबर टू एडल्टहुड। नंबर थ्री अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। एंड नंबर फोर प्रीनेटल पीरियड। तो क्या आप बोल सकते हैं यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नंबर 3, early childhood period is the very sensitive period pertaining to language development। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को लेके। 13 है, a 6-year-old girl shows exceptional sporting ability, both of her parents are sports persons, send her for coaching every day and train her on weekends, her capabilities are most likely to be the result of an interaction between। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया। देखिए ऑप्शन क्या है, नंबर वन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नंबर टू हेल्थ एंड ट्रेनिंग, नंबर थ्री डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन, एंड नंबर फोर हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 4, और ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 1 स्कूल एंड नेबरहुड, नंबर 2 स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, नंबर 3 फैमिली एंड रिलेटिव्स, नंबर 4 है फैमिली एंड नेबरहुड। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। इसका सही आंसर है आपका नंबर 1, स्कूल एंड नेबरहुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। नंबर 1 सोशल इंटरेक्शन, नंबर 2 एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीम्स, उसके बाद आया स्टिमुलस रेस्पॉन्स पेयरिंग, एंड नंबर 4 पे इक्विलिब्रेशन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा नंबर 1, सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन ही सही जवाब है। चलिए 16 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग, अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रेस्पॉन्स ऑफ ए चाइल्ड फॉल। Your parents will be proud of you if you are honest, so you should be honest।
नंबर वन पे ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, नंबर टू गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, नंबर थ्री लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, नंबर फोर पनिशमेंट ऑबिडियंस ओरिएंटेशन, एंड द राइट आंसर इज नंबर टू गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। 17 नंबर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जेन पेगेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। सो जेन पेगेट के अनुसार कौन से ऑप्शन यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा सेंटेंस लर्निंग के लिए आवश्यकता है। सो क्वेश्चन नंबर 17 इज अकॉर्डिंग टू पेगेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। नंबर वन ऑप्शन इज ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स, नंबर टू बिलीफ इन इमानेंट जस्टिस, नंबर थ्री री इन्फोर्समेंट बाई टीचर्स एंड पेरेंट्स, एंड नंबर फोर एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द लर्नर। एंड आपको क्या लग रहा है कौन सा सही जवाब होगा यहाँ इसका? इसका सही जवाब है नंबर फोर एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द लर्नर। 17 के बाद हम लोग जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर पे है फिर से पियाजेट का अकॉर्डिंग टू जेन पियाजेट स्कीमा बिल्डिंग occurs as a result of modifying new information to fit existing schemes and by modifying old schemes as per new information. These two processes are known as number 1 assimilation and adaptation, number 2 equilibration and modification, number 3 assimilation and accommodation, and number 4 accommodation and adaptation. So yahan pe चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से सही आंसर इसका होगा आपका नंबर थ्री जिसपे लिखा गया है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, वही आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा गया है इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरमेंट दैट नंबर वन इज रेस्ट्रिक्टिव, नंबर टू डिस्करेजेस इंक्लूशन, नंबर थ्री इनकरेजेस रिपीटेशन, एंड नंबर फोर प्रोमोट्स डिस्कवरी। सो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑब्वियसली प्रोमोट्स डिस्कवरी, इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हार्वर्ड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट नंबर वन इंटेलिजेंस इज सोली डिटरमाइंड बाय IQ टेस्ट्स, नंबर टू टीचर्स शुड यूज MI एज ए फ्रेमवर्क फॉर डिवाइसिंग ऑल्टरनेटिव वेज टू टीच द सब्जेक्ट मैटर, नंबर थ्री पे यहाँ पे बोला गया है एबिलिटी इज डेंसिटी एंड डज नॉट चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और अंत में नंबर फोर ऑप्शन है every child should be taught every subject in 8 different ways in order to develop all of the intelligence. So question number 20 ka right answer hoga number 2 teachers should use MI as a framework for devising alternative ways to teach the subject matter. Badhte hain question number 21 ki aur 21 pe hai A 5-year-old girl talks to herself while trying to fold a t-shirt. Which of the following statements is correct in the context of behavior displayed by the girl? Number 1. Jane Piaget would explain this as egocentric speech, while Lev Vygotsky would explain this as the child's attempt to regulate her actions through private speech. Number 2. Jane Piaget would explain this as social interaction, while Vygotsky would explain this as an exploration. Number 3. Piaget and Vygotsky would explain this as the child's attempt to imitate her mother. And number 4 is Jean Piaget and Vygotsky would explain this as egocentric nature of child's thought. So question number 21 ka sahi answer hai number 1. Jis pe likha gaya hai
J.N. Piaget would explain this as egocentric speech, while Vygotsky would explain this as the child's attempt to regulate her actions through private speech. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर. क्वेश्चन नंबर 22 में है, जेंडर इज ए एन. नंबर वन, फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट. नंबर टू, इनेट क्वालिटी. नंबर थ्री, सोशल कंस्ट्रक्ट. एंड नंबर फोर, बायोलॉजिकल एंटिटी. सो नंबर 22 द ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, सोशल कंस्ट्रक्ट. 22 social construct. After that we will move toward question number 23. Let's see what it is written here. The question is, as a teacher who firmly believes in social constructivist theory of Lev Vygotsky, which of the following methods would you prefer for assessing your students? Number one option, standardized tests. Number two, fact-based recall questions. Number three, objective multiple choice type questions. And number four is collaborative projects. So out of these four options, the correct answer is number four, collaborative project will be the correct answer. Let's see question number 24 pe diya hai, to cater to individual differences in his classroom, a teacher should, number one, segregate and label children based on their marks. Number two, engage in a dialogue with students and value their perspectives. Number three, impose strict rules upon his students. And number four is have uniform and standard way of teaching and assessment. यहाँ पे कुल चार ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह होगा आपका ऑप्शन नंबर टू, जिसपे लिखा गया है engage in a dialogue with students and value their perspectives. ये रहा आपका करेक्ट आंसर. तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 पे है आपका, असेसमेंट इज ए पर्पसफुल इफ. नंबर वन, इट सर्व्स एज फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स. नंबर टू, इट इज डन ओनली वंस एट द एंड ऑफ द ईयर. नंबर थ्री, कंपिटेटिव एवेल्युएशंस आर मेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट्स अचीवमेंट. नंबर फोर, इट इंड्यूसेस फियर एंड स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा नंबर वन का, जिसपे लिखा है इट सर्व्स एज ए फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स. सो नंबर 26 आ चुका है यहाँ पे. नंबर 26 पे है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, द रोल ऑफ ए टीचर हैज टू बी. एनसीएफ 2005 के अनुसार टीचर का जो रोल है वो कौन सा होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए? तो नंबर वन है डिक्टेटोरियल, नंबर टू परमिसिव, नंबर थ्री फैसिलिटेटिव, और नंबर फोर पे अथॉरिटेटिव. तो इसका बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आते रहता है. तो इसका सही आंसर है आपका नंबर थ्री पे, फैसिलिटेटिव होना चाहिए. एज ए फैसिलिटेटर, टीचर हैज टू बी ए फैसिलिटेटर इन साइड द क्लासरूम. सो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पे यहाँ पे है, रिसर्च सजेस्ट्स दैट इन ए डाइवर्स क्लासरूम ए टीचर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर स्टूडेंट्स डैश देयर लर्निंग. नंबर वन, आर द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ. नंबर टू, शुड नॉट बी कोरिलेटेड विथ. नंबर थ्री पे है, डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन. And number four is have a significant impact on. So the right answer for this is option number two. This one should not be correlated with their learning. So 27 ka option number two correct answer hai. Badhte hain 28 ki aur. 28 pe yahan pe hai,
inclusion of children with special needs, number one, is detrimental to children with disabilities. Number two, will increase the burden on school. Number three, requires a change in attitudes, content and approach to teaching. And number four, behave in an unrealistic goal. तो इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थ्री, रिक्वायर्स ए चेंज इन एटीट्यूड्स कंटेंट एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नंबर 29, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विथ चिल्ड्रेन फ्रॉम वैराइड सोशल इकोनॉमिक एंड cultural backgrounds enriches the learning experiences of all students. This statement is number one, correct, because children learn many skills from their peers. Number two, correct, because it makes the classroom more hierarchical. Number three, incorrect, because it leads to unnecessary competition. And number four is incorrect, because it can confuse the children and they may feel lost. So number 29 का जो correct answer है वह है option number 1. जी हाँ, आपने सही answer select किया, number 1 correct, because children learn many skills from their peers will be the correct answer. Let's go to question number 30, which is the last question for today from pedagogy. So question number 30 is, a child with hearing impairment, number one option, will not benefit from academic education only and should be given vocational training instead. Number two option is, can do very well in a regular school if suitable facilitation and resources are provided. Number three, will never be able to perform on a par with classmates in a regular school. And number four is, should be sent only to a school for the hearing impaired and not to the regular school. तो इस जो last question है इसका kindly आप लोग बोलिए कौन सा answer सही होगा। इसका सही answer होगा number two. Option number 2 is the correct answer for question number 30. A child with hearing impairment can do very well in a regular school if suitable facilitation and resources are provided. तो दोस्तों, आज हम आए थे आपके साथ पेडागोजी को लेके, पेडागोजी का जो 30 क्वेश्चन है आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला, और आशा करते हैं आप भी अच्छे मार्क्स से सीटेट क्लियर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऑलरेडी सब्सक्राइब आपने कर दिया है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हमारे जो नए अपलोड आते रहेंगे उसको देखना ना भूलिएगा। अंत में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन है,